आम इंसान के नजरिए से देखा जाए तो किसी भी सांप को पहचानना उसके लिए कठिन काम होता है, क्योंकि भारत में कई तरह के सांप पाए जाते हैं। उनमें से कुछ सांप इतने एक समान होते हैं कि कभी कभी उनको पहचानने में हम भी धोखा खा जाते हैं। परिणामवश सांप को देखते ही इंसान द्वारा उसे मार दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है सांपों के बारे में अधूरा ज्ञान और अंधविश्वास। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सभी प्रकार के सांपों के बारे में जानकारी पर आधारित वीडियोस की एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ, और ये उस सीरीज का पहला वीडियो जिसमें आज हम देखेंगे रैट स्नेक को कैसे पहचाना जाता है, हाउ टू आइडेंटिफाई अ रैट स्नेक, और उस सांप का लाइफ स्पान कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर भास्कर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर्पमित्र डॉक्टर भास्कर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ये सांप भारत के लगभग सभी इलाकों में पाया जाता है। मराठी में इसे धामन, हिंदी में धामिन, हरियाणा में घोड़ा पछाड़ और इंग्लिश में रैट स्नेक के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है पीटस म्यूकोसस। ये सांप तटीय, शुष्क, आर्द्र, पर्वतीय, खुले मैदान एवं जंगल ऐसे विभिन्न आवासों में वास करता है। चूहों के बिल व दीमकों की बांबिया मुख्य रूप से इसके प्रिय घर होते है। ये सांप अक्सर धान के खेतों में, ऊंची घासों में, वृक्षों के ऊपर, भंडारों एवं घरों में पाया जाता है। इन सांपों का आकार काफी बड़ा होने के कारण लोग अक्सर इस सांप से डर जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक विषहीन यानी नॉन हेनेमस सांप है, जो जल्दी किसी को काटता नहीं है। लेकिन अगर काट ले तो फिर काटी गई जगह को बुरी तरह से तितर बितर कर देता है। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही शांत स्वभाव का सांप है, लेकिन इसे परेशान करने पर या इसे खतरा महसूस होने पर ये अपने गर्दन के अग्र भाग को फुला देता है और गुर्राहट भरी आवाज निकाल कर तीव्रता से हमला करता है। इसके मुंह में कई तरह के बैक्टीरिया होने के कारण इसके काटने पर भी काटी गई जगह में इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए टिटैनस का इंजेक्शन टीटी 0.5 cc लेना जरूरी होता है। लोग अक्सर इस सांप को नाग या किंग कोबरा समझकर इससे डरते हैं, लेकिन इसकी पहचान आसानी से की जा सकती है। इसके शरीर पर जाल युक्त चिकने शल्क पाए जाते हैं। इन शल्कों की कतारें ऊपर की ओर उभरी होती है। इसका शीर गर्दन से चौड़ा लेकिन शरीर की अपेक्षा छोटा होता है। आंखें बड़ी बड़ी और आंखों में गोल पुतलियां होती है। इसके मुंह के निचले भाग एवं पेट पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली काली पट्टियां होती है। होठों के शल्क ब्लैक कलर की वर्टिकल लकीरों द्वारा विभाजित होते हैं। इसके रंग में भी काफी भिन्नता पाई जाती है, जो पीला, जैतूनी, भूरा, सलेटी या काला हो सकता है। पूरे शरीर पर हल्के या गहरे काले निशान होते हैं, जो दुम पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये सांप आकार में काफी बड़े होते हैं। इसकी जन्म के समय लंबाई 1 से 1.5 फीट तक होती है। औसतन लंबाई 6 से 7 फीट तक होती है, लेकिन ये सांप 12 से 13 फीट तक भी लंबे हो सकते हैं। ये भारत का सबसे तेज तर्रार और फुर्तीला सांप है, जो अक्सर दिन में शिकार करना पसंद करता है। शिकार का पीछा करते हुए अच्छी तरह से ये पेड़ पर भी चढ़ सकता है। मेंढक, भेक, सरट, पक्षी, चूहे और चमगादड़ इसका मुख्य भोजन है, लेकिन ये सांप ज्यादातर चूहों को खाना ही पसंद करते है। ये चूहों के बिल में घुसकर एक दिन में 25 से 30 चूहों को खा लेता है। इसलिए इस सांप को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। इनका मेटिंग पीरियड मार्च से सितंबर तक होता है। मादा एक बार में 8 से 22 अंडे देती है। इस सांप के शरीर की अपेक्षा पूंछ में ज्यादा ताकत होती है, जिसकी मदद से ये किसी भी चीज को जकड़ सकता है। इस प्यारे जीव के प्रति कई सारी अंधविश्वासी बातें आज भी समाज में फैल रही है, जैसे कि ये सांप अपनी पूंछ को मुंह में पकड़कर गोल रिंग बनाता है और लोगों का पीछा करता है। लेकिन किसी भी सांप के ब्रेन में इंसान के ब्रेन जैसा सेरेब्रल हेमिस्फीयर नहीं पाया जाता, इसलिए ये सांप ना तो किसी इंसान का पीछा करता है और ना ही किसी से बदला लेता है। कई जगहों पर ऐसा माना जाता है कि ये सांप गाय और भैंसों को लपेट कर उनका दूध पीता है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी सांप के स्टमक में दूध को पचाने वाले एंजाइम्स नहीं पाए जाते, इसलिए इसके दूध पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। जय हिंद।